स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल YouTube से सीखो पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया है और एक 5,04,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है तो दिया है लोगों के लिए, उसके अंदर बांधकाम मजदूर भी आ रहे हैं और जो फेरी वाले होते हैं वो भी लोग आ रहे हैं और रिक्शा चालक है और बहुत सारे लोग हैं, निराधार वाले हैं, पेंशन वाले हैं, बहुत सारे हैं। तो किसको क्या क्या मिलेगा वो सब मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अब अगर आप चैनल पर पहली बार तब आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों इस चैनल पर मैं बांधकाम से रिलेटेड वीडियो बनाकर लाता रहता हूँ। अगर आप वर्कर हैं, कोई मजदूरी का काम करते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ जो भी स्कीम्स के उसका वीडियो आप तक पहुँच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, घंटी को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। तो चलिए आपको बता देता हूं। तो दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जो है तो बताया है, कल ऐलान किया है लॉकडाउन का। तो किसको क्या मिलेगा, तो बांधकाम मजदूर जो भी पंजीकृत हैं उनको मिलेंगे 1500 रुपये डायरेक्ट उनके खाते में आएंगे। उनको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की या किसी को देने की जेरोक्स कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खाते में पिछले लॉकडाउन में अगर आपके खाते में आए हैं 5,000 रुपये तो इस बार भी आपके निश्चित रहिए बिल्कुल आपके खाते में आ जाएंगे। साथ ही जो फेरी वाले होते हैं तो उनके खाते में भी 1500 रुपये आएंगे और जो परवाना धारक रिक्शा चालक है ऑटो वाले उनके खाते में भी आएंगे 1500 रुपये, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार तब आए तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि मैं बांधकाम से रिलेटेड जो भी योजनाएं आती है जो भी वर्कर लोग हैं उनके लिए मैं इस चैनल पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ।